मेरा नाम रोशनी है, मैं 13 साल की हूँ और मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल खोड़ा कॉलोनी में है। मेरे मम्मी पापा फूड स्टॉल लगाते हैं और मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े दीदी और मेरे दो बड़े भाई रहते हैं और मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे घर के बहुत सारे काम करने होते हैं। मैं मम्मी के घर के कामों में हाथ बटाती हूँ और नाश्ता बनाने और कपड़े धोने में उनकी मदद करती हूँ। कभी कभी घर के कामों की वजह से मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाती हूँ, लेकिन घर में किसी को भी मेरे होमवर्क की चिंता नहीं है क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि मुझे भी अपने भाइयों की तरह आगे पढ़ना चाहिए, उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। नई नई बातें जानना बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो जाती हूँ जिसकी वजह से मुझे घर वापस आना पड़ता है। इस कारण मेरे स्कूल का वक्त पूरा नहीं हो पाता है और उस समय मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे साइंस सब्जेक्ट बहुत पसंद है क्योंकि उसमें नई नई बातें सीखने को मिलती हैं और मुझे स्कूल में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ या अपने फैमिली, अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हमारे खोड़ा कॉलोनी में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ साफ पानी भी नहीं आता है और गंदा बहुत आता है और हमें पीने के लिए बाहर से पानी लाना पड़ता है। कभी कभी नल भी बंद हो जाते हैं तो दूसरे हैंडपम्प से निकाल के लाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है, फिर हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। मुझे उस समय बहुत बुरा लगता है जब मैं पीरियड्स की वजह से स्कूल नहीं जा पाती हूँ और हमारे स्कूल में सही टॉयलेट भी नहीं है। लड़के लड़कियों को एक ही टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है और बार बार कपड़ा चेंज करना पड़ता है, इसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उन दिनों मुझे घर पर रहना पड़ता है और मुझे घर पर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। घर पर मुझे अकेलापन महसूस होता है और मैं चाहती हूँ ये समय जल्द ही निकल जाए। हाल ही में हमारे स्कूल में एक एनजीओ ने आना शुरू किया है जिसका नाम हील्स है। उन्होंने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने हमें बताया कि हाथ धोने का क्या महत्व है। और साफ यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में आदि बातें बताई। उन्होंने हमें बताया कि हमें पीरियड्स के टाइम पे साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अगर हम साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे तो हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। उन्होंने हमें लड़की की शिक्षा के बारे में बताया, उनके अधिकारों के बारे में बताया, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हैं। इन सब बातों को जानने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हमें ये सारी बातें जानना कितना ज़रूरी है। इन सभी ज़रूरी बातों को जानने के बाद मैंने यह सारी बातें अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने अड़ोस पड़ोस में बताया। अब उन्हें भी इस बात का एहसास होने लगा है कि यह बातें हम लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। हील्स एनजीओ हमें सोप, सैनिटरी पैड्स और आदि जरूरत की चीज़ों देने में मदद करते हैं। अब मेरा परिवार मेरे होमवर्क और मेरे स्कूल की चिंता करने लगे हैं और मेरे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और मुझसे घर का ज़्यादा काम भी नहीं कराते हैं।
अब मैं समय पर स्कूल पहुंचती हूं और समय पर ही अपना होमवर्क भी खत्म कर लेती हूं। अब सब स्वच्छ पानी पीने लगे हैं और स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। मैं भी अब सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती हूँ जो कि कपड़े की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। अब मुझे स्कूल की छुट्टी भी नहीं करनी पड़ती है और मैं डेली स्कूल जाती हूँ। अब मेरी क्लास में अटेंडेंस भी बढ़ने लगी है और मेरी फ्रेंड भी मुझे फॉलो करती हैं। अब मैं भी जान चुकी हूँ साफ़ पानी पीना, साफ़ सफाई रखना हमारे जीवन में कितनी खुशियाँ ला सकता है।